फ्रेंड हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के, आज की टिप्स लेकर के। आई होप आज की टिप्स आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो है बिल्कुल यूनिक और आपको ऐसे ऐसे टिप्स देखने को मिलेंगे ना जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत आसान बना देंगे। तो मेरे साथ बने रहे, जुड़े रहे और मुझे सपोर्ट भी करते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते, चलते फर्स्ट टिप्स की तरफ। ये है सेलो टेप। सेलो टेप का जो निकालना जब हमें होता है ना, इसका छोर जो होता है, हमारे छोर बोला जाता है, आप लोग क्या बोला जाता है नहीं मालूम। अगर आपको कुछ अलग कहा जाता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको करना क्या, लेना हमें एक इस तरीके का कोई सिक्का और बस इस तरीके से चिपका देना है। अब ये हमारी वॉच बन करके रेडी है और जब हमें ज़रूरत होगी तो तुरंत का तुरंत हम सेलो टेप को निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो ये छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत काम की और आपको भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हम जब ज़रूरत होती है ना तो बहुत देर तक परेशान होते हैं, तब कहीं हम सेलो टेप को खोल पाते निकाल पाते हैं। तो अब इस एक सिक्के की हेल्प से आराम से निकाल लेंगे। आई होप आपको टिप्स कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है कुछ इस तरीके के, जो ये क्या आपके यहाँ बोला जाता है ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसको ऐसे ही बैग बोला जाता है। तो ये वाला बैग जो होता है अक्सर फल में सब्जी में आता है और हम लोग इसे फेंक देते हैं, लेकिन इसका बहुत बढ़िया उपयोग आप कर सकते हो लहसुन प्याज को रखने के लिए, आलू को रखने के लिए, क्योंकि इसमें जो होते हैं बड़े बड़े से होल होते हैं जिनसे एयर पास होता रहता है और इसमें अच्छी क्वांटिटी में आ जाता है। तो आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हो, चाहो तो आप डलिया के किनारे पे भी हैंग कर सकते हो, जो हम लोगों की बास्केट होती है सब्जी वाली वहाँ पे, जिससे इसमें एयर जाता रहेगा, हमारा लहसुन प्याज जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो आप देख रहे हो मैं कितनी अच्छी क्वांटिटी में इसमें भर रही हूँ, एक एक किलो में दोनों चीज़ थे और इसमें दोनों चीज़ आ गए हैं। तो बस मैं इतना ही रखूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा दूँगी एक नॉट। नॉट भी मैं इसी का ही पलट करके ऐसे लगा दूँगी, बस इस तरीके से घुमाना है और बस यहाँ पर ऐसे नॉट लगा देना है। तो ये बहुत ही सरल सा तरीका है। अब आप इसको कहीं भी हैंग कर दीजिए, लहसुन प्याज आपका काफ़ी दिनों तक चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा। तो ये टिप्स कैसी लगी, आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बस ऐसे हैंग करिए। देखिए है ना कितना बढ़िया सा जुगाड़ी है। मैं तो इसको ऐसे ही रखती हूँ और ये काफ़ी दिनों तक मेरे लहसुन प्याज चल जाते, ख़राब नहीं होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स आपको बहुत पसंद आएगी। तो बस इस तरीके के जो कंटेनर होते हैं, छोटे छोटे से बॉक्स होते हैं, ये अक्सर हमारे घर में आ जाते हैं और जब हम लोग खाना मंगाते हैं तब, और बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्यों ना इसका बहुत बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए और यूज किया जाए अपने किसी ज़रूरी सी चीज़ में। तो मैं देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने कॉटन डाला है और उसके बाद में इस तरीके से कोई कपड़ा, कागज़ या कुछ भी ऊपर से इसको रख सकते हैं इस तरीके से। अब इसे मैं यूज़ कहाँ करूँगी चलिए ये बताती हूँ। तो ये है ना नीडल है ना, जो सुई होती हैं इनको मैं इस पे रखती हूँ। अब ये क्या होगा, इस तरीके से अच्छी तरीके से हमारी ऑर्गेनाइज होकर के भी रखी रहेगी और इसमें जंग भी नहीं लगेगी। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, जब हम लोग इस तरीके से इसको लगा के रख देते हैं ना, तो इसमें जंग भी नहीं लगती और इसमें अच्छी क्वांटिटी में, चाहे वो सिलाई मशीन की नीडल हो या ऐसे ही जो हम लोग जिससे सिलाई करते हैं वो हो, कोई भी हो, या फिर जो तुरपाई वाली, मतलब जो भी नीडल लगानी हो ना, इसमें अच्छी क्वांटिटी में लग जाएगा और ये बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होकर के रखा रहेगा और हमारा डिब्बा भी काम का रहेगा। तो कैसी लगी ये टिप्स ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आज मैं बनाऊँगी इससे भी एक बहुत बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर और आप लोगों को पसंद भी बहुत आएगा। तो मैंने लिया है देखिए इस तरीके के जो बैग होते हैं बैग, और एक लिया है इस तरीके से जो पन्नी होती ना, या पॉलीथीन बोल सकते हैं इसको, तो उसको लिया। अब मैं इसके बराबर ही मैंने इसे कट कर लिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी बीच में। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी होगा, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो कुछ इस तरीके से इसको डाल देना है, बराबर कर देना है ताकि एकदम से सही से सेट हो जाए। तो ये देखिए अब इसमें पूरा सेट हो गया है, लेकिन जो इसका हैंडल है ना, मैं उसको कट करके निकालूंगी इसको। तो चलिए इसको कट कर देते हैं यहाँ से। ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, ज़रूर इसको पूरा देखिएगा और तभी आपके समझ में आएगा कि वाकई में हम लोग
इतनी काम की चीज़ें फेंक देते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग जब इस तरीके के पॉली बैग जो आते हैं इन्हें कपड़े वाले हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन ये काफ़ी मजबूत होते हैं, इन्हें बार बार आप धुल सकते हो और यूज कर सकते हो। तो एक दूसरा भी मैंने लिया है बैग, और मैं यहाँ से कपड़े वाला जो होता है ना वही है, तो यहाँ से मैं कट कर लूँगी। चलिए इसका साइड वाला भी कट करके निकाल देते हैं, और इसकी मैं बनाऊंगी पाइपिंग। आप चाहो तो इसको ऐसे ही सिलाई करके यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें पाइपिंग लगा दूंगी तो थोड़ा देखने में ज़्यादा सुंदर लगेगा, और जब हम यूज करेंगे तो हमें खुद को ही अच्छा फील होता है जब कोई चीज़ सुंदर बनी होती है। तो बस बराबर से एकदम से मैं कट करूँगी इसको, ताकि एकदम बराबर रहे। तो बस एक एक इंच के लगभग हमें लेना है, तो मैंने इसको कट कर दिया, और इसे अब मैं खोलूँगी तो ये देखिए पूरा लंबा लंबा हो जाएगा, और मैं इसमें ऐसे करके पाइपिंग लगाऊँगी। तो चलिए चारों तरफ से पाइपिंग कट करके मैं लगाती हूँ। तो आप सुई की हेल्प से भी लगा सकते हो इसको, और आप सिलाई मशीन की हेल्प से भी लगा सकते हो। अगर आपको सिलाई नहीं आती ना, तब भी आप आराम से इससे सुई की हेल्प से लगा सकते हो। तो चलिए मैं पहले पूरा इसको सिलाई कर देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ से इसको सिल दिया है। अब क्या करूँगी मैं, पलट करके इसमें कुछ इस तरीके से भी आपको मैं सही से दिखाती हूँ। पहले इसका किनारा ले आऊँ, कहाँ से मुझे लगाना है, तो मुझे लेना है यहाँ से, और मैं इसको कुछ इस तरीके से पलटूँगी, मतलब आधा इंच मैं इस तरफ रखूँगी, आधा इंच मैं इस तरफ रखूँगी, तो हमारे दोनों तरफ अच्छी तरीके से पाइपिंग लग जाएगी। तो ये चलिए इसको लगा करके आपको दिखा देते हैं। यहीं से इसको लगाना है, तो मैं इसको यहीं से मोड़ करके आपको दिखा रही हूँ। ये भी मैं देखिए सिलाई कर रही हूँ, और सुई की हेल्प से ही करूँगी, जिससे आपको ये ना लगे कि ये सुई की हेल्प से नहीं हो सकता है। ये बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, बिल्कुल कोई भी मेहनत नहीं पड़ती। जैसे हम लोग कपड़े पर सिलाई करते बिल्कुल सेम ऐसे ही सिलाई होती है। ये देखिए बस अच्छी तरीके से पकड़ लीजिए, सेट कर लीजिए, और बस सिलाई करते आप चले जाइए, बहुत ही आसानी से सिलाई इसमें हो जाएगी। इस तरीके से देखिए कितनी आसानी से सिलाई हो गई। तो चलिए मैं इसको पूरा सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे होगी। तो ये देखिए मैंने इसमें पूरी पाइपिंग लगा दी है, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बेकार सा बैग ना, हमने कितनी अच्छी तरीके से इसको यूज़ कर लिया है। अब इसे मैं यूज़ कहाँ करूँगी, चलिए वो भी दिखाती हूँ, क्योंकि इसे यूज करने का बहुत सा तरीका। आप चाहो तो इसको फ्रिज भी यूज कर सकते हो, फ्रिज मैट के रूप में, चाहे आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इसे यूज करती हूँ कहाँ पर, चलिए आपको दिखाऊँगी। तो हम लोग जब बर्तन धुलते हैं ना, तो बर्तन धुलने के बाद में जो डलिया में रखते हैं, तो डलिया से जब पानी गिरता है तो पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए पानी फैल जाता है। ये देखिए कितना सारा पानी फैल गया है। तो मैं यहाँ पे यूज करूँगी, पहले इसको साफ़ कर दूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लीन कर ले रही हूँ, और अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी अपनी ये मैट को। अब इस मैट पे मैं रख दूँगी अपना बास्केट। अब मैं इसमें बर्तन रखूँगी ना, तो बर्तन का जो भी पानी होगा वो निकल करके सिर्फ मैट पर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो ये बहुत ही सरल सा देखिए तरीके से बन गया हमारा मैट, हमने एक रुपए भी नहीं ख़त्म किया। जबकि अगर हम ऑनलाइन लेते या मार्केट से लेकर के जाते आते ना, तो काफ़ी महंगा मिलता है। तो कितने सरल तरीके से बेकार से बैग से हमने बना लिया, और अब ये बिल्कुल हमारा ना तो भीगेगा ना गंदा होगा, कुछ नहीं, हमारा फर्श जो एकदम सूखा रहेगा, और जो भी पानी होगा ना वो इसी मैट पर ऊपर रह जाएगा, क्योंकि हमने अंदर पॉलीथीन डाल रखा है, तो पॉलीथीन की वजह से मैट से पानी नीचे नहीं जाएगा, ऊपर रहेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, और आप भी ज़रूर इस टिप को ट्राई करिएगा, और आप भी बनाए देखिए। ये देखिए इस पर सारा पानी ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, और इसको धुलना भी काफ़ी ईजी है, बिल्कुल मेहनत नहीं पड़ती। तो टिप्स कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर जो है हमारा, वो भी बहुत काम का है और आपको पसंद आएगा। तो बस इस तरीके से मैंने लिया है एक हैंगर। अब मैं थोड़ा इसको सीधा कर दूँ, क्योंकि थोड़ा सा झुक गया था, तो इसको सीधा करने के बाद में मैं इसमें लगा दूँगी
इस तरीके के जो हुक आते हैं ये ऐसे भी आपको शॉप पे मिल जाएंगे, और अगर आप चाहो तो कोई अगर आपके पास चूड़ी मेटल की हो तो आप उससे भी बना सकते हो। ये बहुत आसानी से बन जाता है और इसमें देखिए 4 से 5 हैंग हो जाएंगे। तो चलिए इसे मैं यूज़ कहाँ करूँगी ये भी दिखा दूँ। तो इस तरीके के जो हमारे जूते चप्पल होते हैं ना, ये आजकल बिल्कुल सूखते नहीं सर्दियों में, तो बस मैं इस तरीके से हैंग कर देती हूँ इस पर, और कितना बढ़िया सा ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बन कर के रेडी हुआ। आपको भी ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ये देखिए सारा पानी यहाँ पे गिर रहा है, अब ये बड़ी आसानी से सूख जाएंगे मेरे। और देखिए इसमें 2 जोड़ी लगभग टंग गए हैं ना, तो अब हम इसे कहीं भी जब पानी निचोड़ जाएगा तो टांग देंगे सूखने के लिए। टिप्स कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नए आलू जब हम लोग छीलते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हमारे टिप्स भी दिखाए जाते हैं कि हम इस तरीके से छीले, लेकिन नहीं, कभी भी लोहे के जो स्क्रबर है उनसे डायरेक्ट नहीं छीलना चाहिए आलू, क्योंकि हो सकता है कभी इसमें कोई रोए चले जाए या मतलब कोई भी तार टूट कर चला जाए जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो जब भी इस तरीके से आलू छीलिए तो उसमें एक प्लास्टिक वाला स्क्रबर ज़रूर लगा लीजिए, या फिर ये सबसे सरल तरीका है एक गंदी सी जब जो मैट होती है हम लोग के जो जिस पे हम लोग रोटी वगैरह बनाते हैं रख करके टाल जो होती है उस पे धुलने से पहले आलू इस तरीके से छील लीजिए और उसके बाद में अपनी मैट को धुल लीजिए। तो आज की वीडियो का ये मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के टिप्स में आपको सबसे बेस्ट टिप्स कौन सी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए बाय बाय।